राजाप सिंह के बोले रे तू सुना ही नहीं एक बार और बोल। तू कहता है कि तेरी घरवाली पतिव्रता औरत है। बिल्कुल है। अरे हिंदुओं में तो पतिव्रता औरत होती ही नहीं है। अगर तू मजाक कर रहा है तो अपने शब्द वापस ले। मजाक नहीं बिल्कुल सच्चाई कही है। सच्चाई को क्या तू साबित कर सकता है? बिल्कुल साबित कर सकता हूँ। शेर खान लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई कर ले तो मैं क्या डरता हूँ तेरे से? पिटेगा तू ही। तू पिटेगा? तू कैसे कह सकता है? तू क्या जानता है हमारे बारे में? तू अपनी घरवाली की बात करता है, तेरे तो इतिहासों में भी कोई पतिव्रता औरत नहीं हुई। जाने तू इतिहास के बारे में? बिल्कुल जानता हूँ। कितने इतिहास हमारे? न्यू मन बेराना है पर जानू। कितने शास्त्र है, कितने वेद है, कितने उपनिषद है? वेद शास्त्र न तू पढ़ता होगा, मैं नहीं पढ़ता। मैं तो अपनी कुरान पढ़ता हूँ। वो ठीक बात है, पढ़नी भी चाहिए, लेकिन जो अच्छी बातें हैं उनको गुणनी भी चाहिए। जो गंदी बातें हैं वे भी पढ़िए तेरे इतिहास में। बता फिर के पढ़िया तो सुन ले मेरी बात। एक निवेदन है आपसे। देखिए अपनी बात ये रख रहा है, अपनी बात मैं कह रहा हूँ। हाथ जोड़ के निवेदन इतना है, जिसकी बात में दम लगे आप हाथ उठा के ताली बजा के बता देना। लड़ाई हो रही है, ये असली लड़ाई है। आप अपने आप को राजा अकबर समझ कर फैसला करना कि ये सही कहता है या मैं सही कहता हूं। सुनिए के बोल शेर खान। हाँ चाप सिंह। सीता माता को मत कहे, सारी दुनिया जानती है। जब अग्नि परीक्षा हुई भाइयों, आग में के सीता माता निकल गई, एक बाल भी नहीं जलिया। सच्ची बात नहीं है? और पिंगला रानी, हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए राजा भर्तृहरि ने आदेश दिया कि चौराहे पकड़वा दो, लेकिन उसमें भी एक राज था, गुरु गोरखनाथ की माया थी। भर्तृहरि नौ नाथों में एक नाथ थे। भर्तृहरि का मोह तोड़ने के लिए पिंगला को गलत दिखाया, वो पिंगला भी गलत नहीं थी। मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती। हाँ, थारे भगवान कितने सारे हैं नो बता? 33 कोटि। 33 कोटि देवी देवता हैं। हाँ, थारे भगवान ने और काम नहीं था, यो ही था बस बालक बनाने का। तू पिटेगा बस। अपने मजहब की तारीफ करके ताली बजवा रहा है सभा में, तो तू कर ले। सुने, ये तेरी भी बजा देंगे ताली। मारी मारे मजहब तो ऊंचा मजहब नहीं है तेरा। बात सुन। हाँ, सभी मजहब एक है? एक नहीं है, मेरी नजरों में एक नहीं है। अरे मैं तो ये कहता हूँ ना, हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा। भाइयों बुरा तो वो जिसका दीन ईमान बुरा। अच्छा। हाँ सुन मेरी बात। ये उल्टी सीधी बातें करके तू जीत नहीं जाएगा। मैं जीत के मानूंगा आज। मेरे दोरा एक बार इधर आ रहा हूँ, डट जा। कोई सॉलिड बात कहे। अरे सॉलिड बात इसी कहूंगा अब के तेरे कुत्ते फेल हो जाएंगे। अच्छा रे। हाँ के कहेगा इसी? तू मेरी बराबरी करता है, तेरी औकात नहीं मेरे सामने बोलने की। भाई बराबरी की बात तो यहां से, यो भी सेनापति और मैं भी सेनापति, फर्क इतना ही ने 6 बेबे भी आ रखी अकबर के, हमने कोना भी आई, इतना फर्क है तेरे में मेरे में। इसी बात बताऊंगा आपके। बता के तेरा शर्म से सर झुक जाएगा नीचे। बोल। सुन ले मेरी। हाँ क्या मतलब? तुम अपने लुगाई के गुलाम होते हो, गुलाम हिंदू जो होते हैं। थारी बहू नु कहते ना जी, मेरे सूट पे प्रेस कर दो, मेरे सिर दबा दो, इसे भुंडे भुंडे काम करो। पत्नी अर्धांगनी होती है, अध्यंग की साजी होती है। अच्छा, पत्नी तो लटके तले की अच्छी रहे वे। हम केवल एक ब्याह करते, एक पत्नी पे पूरी जिंदगी नहीं 7 जन्म बिताते। अच्छा। हाँ और तुम? हम बता। ये 7 ब्याह भी कर ले जी। मारे गोड्डा में था, मैं नू कर ले हम 7 ब्याह। और कोई सी डंकी निकलेगी तो गोड्डे तोड़ भी दे। हम उल्टे तोड़ते हैं गोड्डे उसके। क्या कहना चाहता है? सुन ले। जो कुआरी है उनका मुंह खुले, न सर पर कपड़ा जरूर। अरे मारी तो कुआरी भी बुरखे में रहे है। गद्दे तो तुम के औरत के गुलाम, कभी तुम मजहब को कहता है। हाँ। अरे तेरी मेरी लड़ाई किस बात पे है? अब मेन मुद्दे पाऊंगा। बिल्कुल बता। वो बता, तू अपनी घरवाली को पतिव्रता बताता है? 100% 16 आने वो पतिव्रता नहीं, वो तो वेश्या तो शेर खान जबान को लगाम दे। साची बात ऐसी लगे जनू आंख मांगली दे दियो। अरे मैं तेरा आंगली पता ना कित कित दूंगा, फिर मैं हाथ दे दूंगा। तू फिट जाएगा? तू हाथा भाई में मत उतर। तू कैसे कह सकता है? मैं साबित कर सकता हूँ। कर साबित। सुन ले मेरी बात। हर सुन ले। हाँ।
साबित ना हुआ तो, ना हुआ तो ये शेर खान फांसी पे लटक जाएगा। इब लटकाया मतलब क्या है तेरा? शर्त लगा ले, अगर मैं साबित नहीं कर पाया तेरी घरवाली बदचलन बेकार औरत है तो ये शेर खान फांसी पे लटक जाएगा। और अगर तने साबित कर दिया तो ये चाप सिंह राजपूत भी फांसी पे लटक जाएगा, ये वादा है। वादा है हाँ। सुन, तेरी कलाकारियों को बोला मैं उनको इनाम दूंगा। इनाम दोगे? हाँ। मोहतरमा आइए, इनाम ले लीजिए, महाराज इनाम दे रहे हैं। इस लड़की को 100 सोने की सरफी दी जाती है। खुश है? खुश हूँ बिल्कुल। खुश है तो बढ़िया, लेके इनाम आप जा सकती है। देव मैनेजर देगा। मैनेजर तो तकड़ा नंगड़ा कि मैं कौन देने जो गयो, मैं तो आपको लेके जाऊंगी। तो मेरी जुबान है, मिलेगा, जाइए आप। हाँ जी। इस कलाकार को 200 सोने की सरफी दो, एक पसीना का नाली कट रहा है। दो कहाँ है? अच्छा, खुश है तो वहां बैठे थे तभी ना बोल देते, कमरे में तो उठा ले। तीसरी को बोला। हाँ जी आइए महातर्मा, ये बहुत अच्छी डांसर है जी। इस कलाकार को मैं 1000 सोने की सरफी दूंगा, लेकिन वाह इसका मुंह दिखाना पड़ेगा। मुंह नहीं दिखाएगी जी। क्यों? इसके मुंह पे घूमड़ी हो रही है जी। कोई बात नहीं। सबसे पहले महाराज को सलाम। वालेकुम सलाम। हेलो, महाराज को कर रही हूँ। अच्छा। जी महाराज, अगर आप शक्ल दिखाओ तो 1000 सोने के सरफे मिलेगी। महाराज हाँ, मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती। मैं 2000 सरफी दे दूंगा। नहीं चाहिए। 3000 नहीं चाहिए। 5000 नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मुझे आपसे सिर्फ एक वचन चाहिए महाराज। वचन? अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे सिर्फ एक वचन दीजिए। वचन क्यों लेती है तू? मेरा वचन दे दूंगा मैं। तो दीजिए महाराज। तो ले वचन। वचन क्यों दे रहे हो जी? वचन में राजपाट मांग लिया, नाचने गाने का काम हमने करना पड़ेगा फिर। हम वचन देते 1 2 3 मेरी सभा में तेरा चोर जी महाराज हो ही नहीं सकता। क्यों? मैंने फतवा जारी कर रखा है। किस बात का? मेरे राज में कोई चोरी करता है तो उसके हाथ कटवाता हूँ। अच्छा, कोई जारी करता है आंखें कटवाता हूँ। नहीं महाराज, आपकी इस भरी सभा में वो चोर बैठा है और वो शख्स मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। लड़की तुझे पता है तने हिंदुस्तान के सेनापति का गिरेवान पकड़ा है। अच्छा, ये तेरा चोर जी महाराज? शेर खान जिले इलाही, इसी के तिशी में बड़गा जिले इलाही। मैं चोर है के? मैं क्यों चोरी करूंगा, मैं तेरे से बुक करके और लाया हूँ। मैं चोर बता दिया इसने। ये एक नंबर का चोरी इंसान है। लड़की शेर खान। हाँ जी। ये लड़की कहती के 15 रोज दोहरे डाटिया। 15 रोज? 15 दिन की छुट्टी गया था तू? वो तो मैं वहां गया था सोमवती के पास में। सोच ले कदे। सोच लीजिए। पक्की बात? पक्की बात। एक मिनट रुक। लड़की जी महाराज, तू झूठ कहती है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी महाराज? शेर खान बहुत पैसे वाला है, ये चोरी क्यों करेगा? अरे महाराज, ये आपके लिए शेर खान होगा लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक चोर है, एक नंबर का दार इंसान है। इसने तेरा क्या लूटा? क्या लूटा बता? इसने महाराज मेरे घर से 5000 रुपए, 1 सोने की चैन, मेरी चांदी की पायल, मेरा इतना बड़ा महाराज एक मटका था वो तक ले गया, चांदी का पीतल का। योरा मटका तो सुनो जी। हाँ। नटकंजरों का सोने की चैन 5000 रुपए तू कहाँ से लेके आई? महाराज हमें तो इनाम में मिलता है। हम भी तो इनाम दे रहे हैं ना। हाँ, लेकिन एक बात है जी। लड़की अगर तू झूठी पाई गई तो तुझे फांसी की सजा मिलेगी। बिल्कुल महाराज बिल्कुल। और अगर ये गलत निकलिया इसकी खाल में तोड़ा मैं भरवा दूंगा। भी एक वक्त एक मौका देता हूँ, अगर गलती होगी तो बता दे। मुझ पे कोई गलती नहीं हुई महाराज, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। पक्की बात? पक्की बात। आ जा तू। पक्की बात? पक्की बात। रिश्तेदारी टूट जाएगी? बिल्कुल रिश्तेदारी तोड़ देना मेरी झूठ बात निकले तो। दम है बात में? पक्की बात है? पक्की बात है जी। पूरी सभा को यकीन दिला? बिल्कुल दिला दूंगा, मैंने इसको देखा ही नहीं कभी। इसकी शान शकल? नहीं देखा। मुझे नहीं देखा कभी? नहीं देखा। इसके रिश्तेदारों को? नहीं जानता। इसके किसी भी पड़ोसी को? किसी को नहीं जानता। पक्की बात? पक्की बात। अल्लाह ताला की कसम खा, अल्लाह ताला की कसम नहीं जानता। पैगंबर गुरु मोहम्मद अल्लाह राजी नूरे बीबी फातिमा की कसम खा, पैगंबर बुबे बेबे बाबी अब अल्लाह खाजी की कसम नहीं जानता। आबे वो
दीपा पूछ रही थी वो बात, अपने घरवालियों की कसम खा, सलमा की कसम, करीना की कसम, रवीना की कसम, टीना की कसम। कितनी ले रहा है? 11 है जी। और बच्चे? 48 है जी। शादी को कितने दिन हुए? 3 साल हुए जी बस। 11 और 3 साल में 48? हाँ जी। इसने तो कुतियों को भी फैल कर दिया। बस अल्लाह ताला की देन है जी। कुरान शरीफ को सर पर रख, रख लीजिए। एक सच्चा मुसलमान कुरान को हाथ लेके झूठ नहीं बोलेगा, यकीन हो जाएगा फिर कि तूने इसकी शान शकल नहीं देखी। नहीं देखी महाराज, नहीं देखी। आप एक सच्चे और पक्के पठान हो। पक्का मुसलमान हूँ। और मुझे यकीन हो गया कि आप सच्चे हो, ये लड़की झूठी है। और आपकी भी कसम, आपका मरा हुआ मुंह देखूं अगर मैं इसको जानता हूं तो। ईब तो तू पक्का सच्चा है ये लड़की। जी महाराज। इधर आ। जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे लाडले साले सेनापति को चोर बताया? तू झूठी है और मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगा महाराज। दरख्वास्त के कुल हालात को पाक अदल के दरमियान रखते हुए अकबर शालीन वाक्यात पर गौर फरमाकर हुक्म देता है कि इस लड़की को महजूम इंसान के तहत ले जाकर कत्ल कर दिया जाए। महाराज। हाँ। क्या आपको लगता है कि मेरी गलती है? तेरी गलती है, तुझे कत्ल की सजा मिलती है। कोई आखिरी इच्छा हो तो बोल। तो ठीक है महाराज, आप मुझे जो सजा देना चाहेंगे वो मुझे मंजूर है, लेकिन कहते हैं महाराज कि मरने से पहले मरने वाले की एक आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। क्या है तेरी इच्छा बोल। मरने से पहले महाराज मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं शेर खान से सिर्फ 5 मिनट बात करना चाहती हूँ। हाँ जी, करवा दूँ बात। शेर खान। हाँ जी। करो बात। ये लड़की। जी महाराज। क्या कहा? हाँ महाराज। क्या तू, तू कहाँ जा? मेरी नवाज का टाइम हो रहा जी, नवाज पढ़ गाऊ मैं। इधर आ, तेरा कलमा पढ़ूंगा। इधर आ बेटी। जी महाराज। क्या तू चाप सिंह की घरवाली सोमवती है? हाँ महाराज। सजनो, अकबर भी अपने मन में बहुत बड़ा राजा था, वो पहली बार किसी हिंदुवाणी के सामने घुटने टेक के बैठ के नहीं बोला बेटी गलती तो इसकी से, पर माफी तू मन ने दे दे। मुझे नहीं पता के कहानी बनी, कौन कौन सा तुमने दुख पड़ा होगा बेटी। मैं मानता हूं कि राज नशे में ये अंधा हो गएगा, ये मैं अंधा हो गया होगा, लेकिन अगर ये बात थी तो तू पहले ही आके मेरे को बोलती। नहीं महाराज, इसने ये जो झूठा जाल बिछा रखा था महाराज, इसका भी तो पर्दाफाश करना था। अरे शेर खान इधर आना। सुनो जी। इधर इसके बच्चे। अरे नीच, तने पहचानते? ना जी, मैं ना पहचानता जी। बता शेर खान, क्या तूने मुझे देखा? अरे नीच, कम से कम न्यू तो बता दे, अपने बालका की कसम खा गया, मेरी भी खा गया, जब तने इसकी शान और शकल ही नहीं देखी तो फिर दिल का निशान कड़ा तो देख लिया। बता शेर खान। जिल्ले इलाही। अब मुझसे बात कर। जिल्ले इलाही। बेटी, अब मैं चाप सिंह को बाइज्जत बरी करता हूँ और फांसी की सजा इस इंसान को देता हूँ। रुक जाओ जी, 2 मिनट बात और करवा दो जी मेरी। निबले तू धर्मबाण, और देखो ये होती है हिंदुवाणी। धर्मबाण कह दी, हाथ जोड़ के खड़ी होगी, निबली राजा साहब ये भाई बन गया धर्म का, इस नीच को कम से कम कुछ तो कहलाएगी, मैं चाहती हूँ इसने तो मेरे साथ गलत करा, इसके भी बाल बच्चे हैं, आप इसको भी माफ कर दो। ऐसी छत्रानी को जोरदार ताली बजा के आप सम्मान करें।